चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, हम लोग चलते हैं चैप्टर टू पर। हमारा चैप्टर टू है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और सबसे पहले हम इसको ये जानेंगे कि चैप्टर में इंट्रोडक्शन पार्ट को जानेंगे कि हमारा इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि एक्सप्रेशन होता क्या है या इक्वेशन होता क्या है, तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे चलते हैं। और हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है, सबसे पहले जानेंगे एक्सप्रेशन के बारे में कि व्हाट इज एक्सप्रेशन। देखिए, एक्सप्रेशन पे दूसरे एक्सप्रेशन पर मत जाइएगा। हम किस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, आपके मैथ्स के एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, आप उसी में रहिएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, सॉरी एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मान लीजिए अगर एक्सप्रेशन और इक्वेशन बोला जाए, ठीक है, कोई बोलता है अगर आपको कि एक्सप्रेशन व्हाट इज एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन क्या है, या आपको कोई बोलता है व्हाट इज इक्वेशन, ठीक है, कोई बोलता है व्हाट इज एक्सप्रेशन या व्हाट इज इक्वेशन, ठीक है। कभी भी अगर कोई आपको इक्वेशन के बारे में पूछता है या एक्सप्रेशन के बारे में पूछता है, एक्सप्रेशन में याद रखिएगा कि जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन मींस यस प्लस वन हो गया, ठीक है, ये क्या है हमारा एक्सप्रेशन है। जैसे हो गया यस प्लस टू, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक्सप्रेशन है। या यस प्लस थ्री, यस प्लस कुछ भी, यस प्लस नाइन डॉट आउट, ये सारे हमारे क्या होंगे, एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये सारे हमारे क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं। अगर आप इक्वेशन की बात करें, किसकी बात करें, इक्वेशन की बात करें, तो इक्वेशन में क्या होता है, जैसे यस प्लस वन है ना, क्या है यस प्लस वन इक्वल हो जाए 19, यस प्लस वन इक्वल सॉरी यस प्लस वन इक्वल 19, तो यस प्लस वन इक्वल 19 है ना, मीन्स ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन हो गया। कैसे जानेंगे कि ये हमारा एक्सप्रेशन है, कैसे जानेंगे ये हमारा इक्वेशन है, तो देखिएगा कभी भी अगर इक्वेशन होगा तो यहाँ पर इक्वल लगा होगा, याद रखिएगा अगर इक्वेशन होगा तो इक्वल का साइन जरूर होगा उसमें, ठीक है। ऐसा व्यक्त करके दे सकते हैं कि 2 years plus 19 equal 3 years plus 5, ये भी हमारा क्या है, इक्वेशन ही है, ठीक है, क्योंकि साइन कौन सी है यहाँ पर, इक्वल की, अगर इक्वल की साइन है तो क्या है हमारा इक्वेशन। इक्वेशन को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, समीकरण, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखिएगा कि कभी भी अगर समीकरण पूछे कि समीकरण क्या है, तो समीकरण जब जो भी समीकरण दिया होगा उसमें हमेशा क्या होगा, बराबर का साइन होगा, अगर बराबर लगा होगा तो हम जान लेंगे क्या है, वो हमारा समीकरण है। तो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 2.1 पर। हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ कंप्लीट। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज और हम बताना चाहेंगे, यहाँ बात किसकी कर रहा है, लीनियर इक्वेशन की, बात किसकी कर रहा है, लीनियर इक्वेशन की। कैसे जानेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, याद रखिएगा कभी भी अगर आपको लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करना हो या बताना हो कि लीनियर इक्वेशन है क्या, लीनियर इक्वेशन क्या है, किसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, तो ये याद रखिए जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन में कभी भी पावर 2 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, हमेशा पावर 1 होगी, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसमें हाईएस्ट पावर 1 ही होती है। जैसे मान लीजिए यस स्क्वायर प्लस 2 यस प्लस 5 दिया है, अगर कोई पूछे क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, जी नहीं ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, है ना। और हमें पता है, वी नो दैट, we know that in linear equation highest power will be 1, not more। हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर लीनियर इक्वेशन की कभी भी बात करेगा तो हमेशा जान लीजिएगा अगर पावर 1 है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो अगर हम यहाँ देखें 2 years plus 5 equal 6 years,
यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ पावर कितनी है 1, यानी एक ऐसा इक्वेशन है तो ये एक हमारा क्या है लीनियर इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। तो हमेशा जान लीजिएगा जब पावर क्या हो, पावर हाईएस्ट पावर 1 हो, 1 से ज्यादा नहीं हो, तो हम जान लेंगे वो कौन सा इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है। तो अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पर अपने, एक्सरसाइज 2.1। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत इजी है, बिल्कुल मत डरिएगा, बहुत इजी है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से। कैसे करेंगे? देखिए इक्वल लगा है तो यहां पर इक्वल हम नहीं लगाएंगे, ठीक है? यहां यस है, यस को राइट कर लीजिए, इक्वल इक्वल, 7 7। कभी भी इक्वल के इस साइड कोई भी नंबर हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, अगर हम इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो जो साइन होगी उसको बदल देंगे, याद करिए चेंज कर देंगे, ठीक है? तो जब इसको इसका ट्रांसमिशन करेंगे तो क्या करेंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे। यहाँ माइनस है तो ये -2, यानी 2 के पहले कौन सा साइन है, माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन है। तो अब इसको इक्वल के उस साइड ले जाइए। और मैंने क्या कहा था कि अगर कभी भी इक्वल के उस साइड कोई भी नंबर ले जा रहे हैं तो जो साइन होगी उसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ साइन कौन सी है, माइनस की साइन है। अब इसको इक्वल के उस साइड ले जाइए तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ये -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यानी यस इक्वल हो गया 7 + 2 करिए 9, 7 + 2 कितना होगा 9। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ आया? बहुत इजी है ना। चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट पर। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, y + 3 = 10, y + 3 = 10। चलिए सॉल्व करते हैं, y लिख लेंगे, इक्वल 10 है 10। अब ये प्लस थ्री है ना। और मैंने क्या कहा था, कोई भी नंबर अगर हम इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो साइन को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अगर प्लस होगा तो माइनस करेंगे, माइनस होगा तो प्लस करेंगे। तो यहाँ साइन कौन सी है, प्लस है। अब इसको उस साइड ले जाइए, किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -3। यानी y इक्वल हो जाएगा 10 - 3 करिए 7 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बहुत इजी है ना। चलिए थर्ड पर चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारा 6 = z + 2। सबसे पहले अगर कभी भी वेरिएबल दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा कि कभी भी अगर वेरिएबल दिया गया हो तो पहले वेरिएबल वाले पार्ट को इक्वल के इस साइड ले आएंगे, ठीक है? तो इसमें देखिए z + 2 है, मींस वेरिएबल वाले पार्ट को इस साइड ले जाएंगे, देन z + 2 = 6 है 6 हो गया। अब फिर वही पुराना वाला रूल लगाइए, जेड है जेड = 6, अब +2 उधर जाएगा तो -2, यानी क्या हो जाएगा, जेड इक्वल 6 में से 2 माइनस करिए 4। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया भाई। समझ आया? बहुत इजी है ना। चलिए यहां चलते हैं। अब मैंने क्या कहा, नंबर्स को उधर ले जाना है, यानी वेरिएबल को नहीं, वेरिएबल को यहीं पे लाइक करके रखना है। यस हो गया, इक्वल इक्वल 17 है 17 का 5 7 है 7। अब जहां पर कोई भी साइन, याद रखिएगा जहां पर कोई भी साइन नहीं होगी, यहां पे कोई साइन नहीं है ना, मींस प्लस हाइड है। याद रखिएगा कभी अगर कोई साइन नहीं दिख रही है मींस कौन सी साइन है, प्लस साइन है। यहां पर कौन सी साइन है, प्लस। अब प्लस को उधर ले जाएंगे तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, 3/7 हो गया, मींस यस इक्वल 7। यहां भी है 7, यहां भी है, दोनों जगह सेम है, इसलिए हम 7 को वैसे ही एलसीएम ले लेंगे। ऊपर वाला सेम वैसे ही राइट कर लेना है, बिल्कुल कुछ चेंजेस नहीं करनी है। कब नहीं करनी है, जब नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो। तो यस है यस इक्वल इक्वल 17 में से 3 माइनस करिए 17 में से 3 माइनस करिए कितना होगा 14 होगा अपॉन 7, मींस यस इक्वल 14/7। 14 में से 7 माइनस करिए, सॉरी 14/7 मींस 7 को, 14 को 7 से डिवाइड करिए, 14 है 7 से डिवाइड करिए, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, मींस कितना आ गया 2 आ गया। यहां कितनी आएगी वैल्यू, 2 आएगी। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 4th, आपका कंप्लीट हुआ। कल हम लोग 5 से पढ़ेंगे, आप लोग इसे अच्छे से करिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।